स्वागत है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेल एंड इट्स टाइप। आज हम पढ़ेंगे, हमने सेल और उसकी डिफरेंट टाइप पढ़ी थी और मैंने आपको उनके कुछ फंक्शन भी बताए थे। तो हमें इन सेल्स के बारे में पता कैसे चलता है? मैंने आपको बताया था कि ये सेल्स इतनी छोटी चीजें हैं, इतने छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं कि हमें हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम उसकी साइज को इलाज करते हैं और इसकी डिफरेंट फंक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो यूज ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसीलिए यूज करते हैं कि हम जो भी टिनी पार्टिकल्स हैं उन्हें इलाज करते हैं, फिर उनके फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। दूसरे नंबर पर इसकी टाइप्स, यहाँ पर आपके बुक में वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, आपके बुक में सिर्फ दो टाइप मेंशन है, जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रिसिटी पे यूज होता है और ये बड़ी लेबोरेटरीज में यूज होता है, और लाइट माइक्रोस्कोप आपकी आम लैब में, जैसे स्कूल लैब या कॉलेज लैब में आप इसे देख सकते हैं। और ये आपकी लैब में और कॉलेज लैब में आमतौर पर यूज होता है। आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब लेबोरेटरीज में जाएंगे, तो आप इसके डिफरेंट फंक्शन के बारे में प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आता है इसके वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो स्कूल्स की लैब में यूज होता है, तो लाइट इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो लाइट है, वो किस तरह है वो आगे हम जाकर हम देखेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन इस तरफ देखें तो मैंने आपके लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है, जो कुछ समय एक बेस पर सारा सिस्टम बना हुआ है। और उसके बाद आता है आर्म, आर्म पर सारी चीजें जो है वो कनेक्ट है। उसके बाद जो है उसका आईपीस। आईपीस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो दो लेंसेज पर मुश्तमिल होता है। जिस लेंस से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं आईपीस। यहाँ आप देख सकते हैं ट्यूब के शुरू में जो है वो आईपीस लोकेटेड है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो लेंस ऑब्जेक्ट के करीब होता है, यानी जो लेंस ऑब्जेक्ट को इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये कहां पर है? ये आपके ऑब्जेक्ट स्पेस के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव लेंस लोकेटेड है। उसके बाद आता है मिरर। मिरर क्या काम करता है? मिरर स्टेज के बिल्कुल नीचे जो है वो फिट होता है। मैंने आपको बताया कि इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लाइट जो है वो मिरर पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और इसी तरह वो उसे हम लेंस की मदद से फिर देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज। स्टेज जो है उस पर जो है वो पार्टिकल, जिस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्टेज पर पड़ा हुआ होता है। उसके बाद है एडजस्टेड स्क्रू। एडजस्टमेंट स्क्रू क्या होते हैं? ये जो है आर्म की शुरुआत में लगे होते हैं, इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या है कि एडजस्ट करते हैं कि हम उसे कितना क्लियर उसे देखना चाहते हैं। हम इन दो स्क्रू से इसे क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं मैग्निफिकेशन, यानी ये एक ऑब्जेक्ट को, जो ये माइक्रोस्कोप है वो एक ऑब्जेक्ट को कितना मैग्निफाई करता है। तो ये एक टिनी पार्टिकल 1500 टाइम मैग्निफाई करके हमें दिखाता है, जिसकी मदद से एक छोटा पार्टिकल है उसे बहुत बड़ा हमें नजर आने लगता है। ना सिर्फ वो नजर आने लगता है बल्कि उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके डिफरेंट फंक्शन भी हमें नजर आने लगते हैं, जिसकी मदद से हम उसके फंक्शन उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मैं अगली क्लास में इसके फंक्शन और इसके डिफरेंट वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे जरूर पूछूंगा। अल्लाह हाफिज़।